बिल्वा यानी बेलपत्र, इसकी ना सिर्फ पूजा की जाती है बल्कि इसके कई आयुर्वेदिक गुण भी है। वेलकम टू डेंटल एंड आयुर्वेदा, अ चैनल फॉर बेसिक डेंटल एंड बेसिक आयुर्वेदिक साइंसेस। एंड आवर टुडेज टॉपिक इज बिल्वा यानी कि बेलपत्र। बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट। एंड इस टॉपिक के रेडी टू रीड नोट्स अवेलेबल है हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं बृहद पंचमूल का फर्स्ट प्लांट बिल। इसका बॉटनिकल नेम है ईगल मर्मिलॉस, कुल जंबीर कुल, रूटेसी फैमिली। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आचार्य चरक ने शोथर अर्शुग्न आस्थानोपग अनुवासनोपग गण में रखा है। आचार्य सुश्रुत ने बृहद पंचमूल वरुणादि अम्बष्टादि वर्ग में रखा है। जानते हैं इसके संस्कृत नेम और उनके रीजंस। बिल जो रोगों को नष्ट करे, शांडिल्य पीड़ा को दूर करने वाला, शैलूष सुंदर फलों या पहाड़ों पर होने वाला, श्रीफल इसके जो फल होते हैं बड़े ही सुंदर होते हैं, मालूर शरीर की शोभा बढ़ाने वाला, गंध गर्भ गंध से युक्त होता है, कंटकी कंटक युक्त यानी कांटे से युक्त होता है, सदाफल क्योंकि इसमें सदाफल लगे रहते हैं, ग्रंथिल शाखाएं जो होती हैं वो कांठेदार होती हैं। हिंदी में से हम बेल बुलाते हैं, मराठी में भी बेल, गुजराती में बिली, पंजाबी में बिल, इंग्लिश में वी कॉल्ड इट एज बेल। इसकी मज्जा को बिल पेशिका बिल कर्कटी भी कहते हैं। अब हम जानते हैं बिल की मॉर्फोलॉजी। इसका 25 से 30 फुट ऊंचा वृक्ष होता है, 1 इंच लंबे कांटे होते हैं। इसके जो पत्र होते हैं वो संयुक्त त्रिपत्रक और गंधयुक्त होते हैं। पत्रक जो होते हैं वो अंडाकार या लटवाकार के या भालाकार के होते हैं, 2 से 4 इंच लंबे। पुष्प हरिताप श्वेत सुगंध युक्त होते हैं। फल 2 से 4 इंच व्यास के गोलाकार या अंडाकार धूसर पिताभ होता है, जिसके भीतरी भाग में 8 से 15 खंड होते हैं। फल तो कठिन चिकनी और सुगंधित होती है। फल मज्जा पीतवन मधुर तथा सुगंधित होती है, जिसमें पिछल द्रव्य से आवृत बीज छोटे अनेक होते हैं। 2 वेराइटीज देखने को मिलती है, वन्य और ग्राम्य। वन्य में छोटे फल और कांटे ज़्यादा होते हैं, ग्राम्य में बड़े फल और कांटे कम होते हैं। इसका उत्पत्ति स्थान ये समस्त भारत में विशेषतः सूखे पहाड़ी क्षेत्रों में तथा हिमालय में 4000 फीट की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसका रासायनिक संगठन फल मज्जा में म्यूसिलेज पैक्टिन शुगर टैनिन एटसेट्रा मिलते हैं और मर्मेलोसिन। पत्र में एक विशिष्ट गंधयुक्त हरी पीला तेल मिलता है, जिसमें इग्लिन इग्लिनिन प्रेजेंट होता है। बीज में से हल्के पीले रंग का तिक्त तेल निकलता है, जिसमें रेचक गुण होता है। आइए जानते हैं इसके रस पंचक। इसका रस कषाय तिक्त गुण लघु रूक्ष उष्ण वीर्य कटु विपाक होते हैं। दोष कर्ण कफ वात शामक होता है। उष्ण से वात शामक और कषाय तिक्त रस से लघु और रूक्ष गुण कफ का शमन करते हैं। बृहद पंचमूल में सारे ही प्लांट्स के उष्ण वीर्य और कटु विपाक होते हैं, तो इसे हम इसका वीर्य और विपाक याद कर सकते हैं। सो आते हैं हम कि बिल आता किस किस काम में। बेसिकली इसका जो पत्र है वो शोतर और वेदना स्थापक है। तो नेत्र अभिषेक में पत्र का स्वरस हम नेत्र में डालते हैं और पत्तियों का जो लेप होता है वो हम पलक पे लगाते हैं। पार्शूल शोथ इन सब में ये बहुत हेल्पफुल होता है, हम इसका स्वेदन कराते हैं। आभ्यंतर नाड़ी संस्थान, इसका मूल नाड़ी तंतुओं का शामक है। तो बेसिकली जो वाद व्याधियाँ हो गई, आक्षेपक हो गया, उन्माद, अनिद्रा, इनसोम्निया, इन सब में ये हेल्पफुल है। पाचन संस्थान, इसके हमने बताया जैसे कच्चा फल और पक्का फल इन दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो कच्चा फल होता है वो दीपन पाचन ग्राह्य और क्रमिग्न होता है। तो मूल तक और कच्चे फल का प्रयोग बेसिकली हम अग्निमांधे अतिसार प्रवाहिका गृहिणी में हम करते हैं। उदरशूल कच्चे फल का गूदा आग में पकाकर पुराने गुड़ या मधु के साथ मिलाकर देने से रक्त अतिसार रक्ताश आदि में लाभ होता है। पक्का फल कषाय मधुर और मृदुरेचक है, बहुत ज़्यादा विष्टम भी होता है, इसलिए हम इसको अधिक मात्रा में अर्श आदि रोगों में नहीं दे सकते। विबंध में हम पका हुआ ही फल देते हैं, इससे मल साफ होता है। बेसिकली कॉन्स्टिपेशन में पका हुआ फल हमें यूज़ करना चाहिए। पत्र स्वरस यकृत उत्तेजक है और पित्तसारक है। पत्र स्वरस काली मिर्च के साथ विबंध तथा कामला में हम यूज़ करते हैं। विसूचिका में इसका फल नित्य खिलाते हैं। रक्त व संस्थान सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हृदय और रक्त स्तंभन है, शोथ को दूर करता है।
इसका मूल हृदय और बल्ले हृदय कम आदि में देते हैं। फल कषाय होने से रक्त स्तंभन है। मूल त्वक और पत्र चरस का शोध रोग में हम प्रयोग करते हैं। श्वसन संस्थान रेस्पिरेटरी सिस्टम ये कफग्न है। पत्र का स्वरस प्रतिशाय का श्वास में लाभकर है। मूत्र संस्थान यूरिनरी सिस्टम मूत्र को कम करता है। शर्करा भी इससे कम होती है। बेसिकली शुगर लेवल हमारा गिरता है। पत्र स्वरस का प्रयोग इक्ष्वाकु में करते हैं। छाल का स्वरस जीरा का चून और दूध के साथ शुक्रमेय में देते हैं। बेसिकली एक्टिव कम कॉन्स्टिट्यूएंट फेरोनिया गम प्रेजेंट इन बार्क एंड ब्रांचेस ऑफ बेल ट्री रेगुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द सेल्स इनटू ब्लड स्ट्रीम इन कंट्रोलिंग डायबिटीज। दैट्स वेदर दिस इज द रीजन। बेसिकली प्रजनन संस्थान ये गर्भाशय शोथ को दूर करता है। गर्भाशय शोथ श्वेत प्रदर सूतिका रोग में हम इसको यूज करते हैं। तापक्रम इसका मूल पत्र ज्वरक ने इसके हम विषम ज्वर में यूज करते हैं। सात्वीकरण पक्का फल मधुर होने से बल को बढ़ाता है। बल वृद्धि के लिए पके फल का हम यूज़ करते हैं। ओवरऑल देखिए तो बिल बहुत ही यूजफुल प्लांट है क्योंकि इसको हम डिसेंट्री डायरिया डायबिटीज़ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हेडेक में भी यूज़ कर सकते हैं। प्रयोज्यांग मूल त्वक पत्र फल चूर्ण आदि के लिए कच्चा फल मुरब्बा के लिए अधपका फल और पानक यानी शरबत के लिए पका हुआ फल लेना चाहिए। दशमूल आदि कषाय में मूल त्वक ली जाती है। इसकी जो मात्रा होती है चूर्ण की 3 से 6 ग्राम स्वरस की 10 से 20 मिलीलीटर पानक की 20 से 40 मिलीलीटर। इसके जो विशिष्ट योग देखने को मिलते हैं वो है बिल पंचकवात बिलवादी चूर्ण बिलवादी घृत बिल तेल। जो तेल होता है बेसिकली रूट से बनता है और ईयर डिजीज में ये हेल्पफुल होता है। जो बिल्व मूल आदि गुड़िका होती है वो इंसेक्ट बाइट या फीवर इनमें हेल्पफुल होती है। जैसे कि हमने बताया ये दशमूल का कंटेंट है तो इसके फॉर्मुलेशंस में दशमूल आदि क्वाथ और दशमूल अरिष्ट भी आएगा। आई होप वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो लेट अस नो इन द कॉमेंट बॉक्स कि ऐसे और कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर हम आपके लिए वीडियो बना सकते हैं।